जब भी मैं YouTube पे अपने मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ ना, तो एक कॉमन क्वेश्चन तो मुझे जरूर आता है कि आप इतना मेकअप लगाते हो इसीलिए आपको पिंपल्स होते हैं। तो आज मैंने सोचा इन लोगों को भी हम थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि मेकअप आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपना मेकअप अच्छे से निकाल ले, डबल क्लेंस करे, तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी रह सकती है। आप ये बात भूल रहे हैं कि मैं अपने चैनल पे अपनी स्किन जैसी है ना वैसी ही दिखाती हूँ, बिना कोई फिल्टर के, बिना कोई भी एडिटिंग। आपको इतनी आदत हो गई है ना फिल्टर वाली स्किन देखने की कि पिंपल्स आपको नेचुरली नहीं लगते। लॉट्स ऑफ अदर रीजंस जिसकी वजह से लोगों को एक्ने और पिंपल्स होते हैं, जेनेटिक्स बीइंग वन, मेरी मॉम को पिंपल्स थे, मेरी बहन को पिंपल्स हैं, और मुझे भी तो रहेंगे ही। तो जब अगली बार आप किसी लड़की को मेकअप लगाए हुए देखिए ना, तो उसे एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट ही दे देना, बिकॉज आपके स्टूपिड रिमार्क से मेरी स्किन का कुछ होने तो वाला है नहीं, और जितने का आपकी गाड़ी एक दिन में पेट्रोल पीती है ना, उतने का तो मेरा फाउंडेशन भी नहीं आता।